हफ्ते, जैसे भी यादव को सिर्फ बुखार हुआ है, आज तक उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है उनके जीवन में जिसने उन्हें भगवान के पास जाना पड़े, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि कभी उन्हें भगवान के पास जाना पड़े। तो अगर ऐसा कभी वक्त आया तो उन्हें अपने ही इस बयान पर दुख होगा। रोजगार तो मिलता है ही नहीं है तो राम का मंदिर, तो राम का मंदिर जो भी कथा वाले तो पति पत्नी वाला बैठता है, और नरेंद्र मोदी कैसे उद्घाटन करेगा? पत्नी है ही नहीं, तो निर्वंश आदमी के बैठा दीजिए कथा वाले, भगवानों को बदनामी है। बताइए पहले, रोजगार के मामले में तो भाजपा एकदम फ्लॉप है, उससे अच्छा बिहार सरकार। राम का तो मंदिर बनिएगा, मगर राम का मंदिर बंद होना चाहिए ना। कैसे बंद होना चाहिए? हम सब जो जा रहे आ रहे थे, तकलीफ है कि क्या है? वो रामे मंदिर और वो नेता लोग को बढ़िया, हमारे सबको गरीब के लिए मजदूरी सब नहीं मिलता। अच्छा। उसका पिता भी तो गए थे ना, निकल जेल से तो गए थे ना, थावे गए थे, मंदिर में गए थे। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी मौजूद है हम पटना जंक्शन पर, और यहां पे हम लोगों से जानेंगे कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इसको लेकर लोगों का क्या कहना है। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इसको लेकर आप कितना खुश है, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कई सालों बाद हमारे रामलला मंदिर में आ रहे हैं। हमारे मोदी जी ने पूरी तरह से कोशिश की है, टाइम ना होते हुए उन्होंने 22 तारीख को उद्घाटन करने का कोशिश की है। कुछ देर के मुहूर्त ही सही, लेकिन उन्होंने की है। इसलिए मैं दिल से मोदी सरकार का और मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, धर्म किसी में बटा हुआ नहीं है। उन्होंने धर्म को पीछे छोड़ते हुए हमारे रामलला को लाया है। शायद 22 तारीख को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है कुछ गुटों में, लेकिन कोशिश पूरी लगी हुई है। तेजस्वी यादव जी ने तो कहा है कि अगर आपका तबीयत खराब होगा तो आप मंदिर में जाएंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को सिर्फ बुखार हुआ है, आज तक उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है उनके जीवन में जिसने उन्हें भगवान के पास जाना पड़े, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि कभी उन्हें भगवान के पास जाना पड़े। तो अगर ऐसा कभी वक्त आया तो उन्हें अपने इस बयान पर दुख होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि भगवान के पास हर किसी को जाना रहता है। बस यही। क्या लगता है कि नीतीश जी फिर से पलटी मारेंगे क्या, बीजेपी में शामिल होंगे? ऑफ कोर्स, उनका तो नाम था पलटू यादव, पलटू राम हाँ, पलटू राम उनका तो ये नाम ही था, पलटू राम। तो बीजेपी वाले एक्सेप्ट करेंगे जाएंगे तो फिर? ये तो राजनीति है, इस बार में हम आप तो कुछ बोल नहीं सकते, ये तो वो जाने। पिछले बार भी उन्होंने ऐसा किया था और बीजेपी ने एक्सेप्ट किया था। इस राजनीति में सबको जीतना है, सबको अपनी सत्ता बनानी है, तो मुझे तो यही लगता है कि अगर ऐसा होगा तो शायद अपना ले, लेकिन उनकी हरकत देखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा है, बाकी वो जाने। इधर भी कुछ लोग हैं, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? खुशी हम लोग को, खुशी है हम लोग। यादव जी ने कहा है कि अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आप मंदिर में जाएंगे कि? उसका पिता भी तो गए थे ना, निकल जेल से तो गए थे ना, थावे गए थे, मंदिर में गए थे। कहीं ना कहीं मोदी हॉस्पिटल का अलग ये है, मंदिर का अलग है। महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि क्या जरूरत है इतना इन्वेस्ट करने का, कोई कॉलेज या हॉस्पिटल वगैरह बिहार में बनवा रहे हैं ना। हाँ। बिहार में कॉलेज खुलवा रहे हैं ना। हाँ। उनके पिताजी तो रहे, लालू यादव भी तो रहे थे ना, पंडिसा मुख्यमंत्री, क्या किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। ये मौका थोड़े होता राम मंदिर, ये सब मुद्दा थोड़ी होता है। अच्छा, क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे क्या, बीजेपी में शामिल होंगे? अब तो वही जानते हैं बीजेपी एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए मोदी। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि तबीयत खराब होगा कि मंदिर में जाइएगा कि डॉक्टर के पास जाइएगा? नहीं नहीं, तबीयत नहीं खराब है उनका। हाँ? सब राम मंदिर ठीक कर देंगे, राम भगवान, राम ठीक कर देंगे सब। हाँ, क्या कहना चाहेंगे 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है? जय हो जय है राम मंदिर, एकदम उद्घाटन होगा 22 तारीख को। मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए हैं, कितना बड़ा काम किए हैं? बड़ा काम किए। मैडम भी है, मैडम राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को, कितना इसको लेकर खुशी है आप में? बहुत खुशी है। हाँ, क्या कहेंगे इसको लेकर? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जा रही हैं राम मंदिर को उद्घाटन? जी जाएंगे। जाइएगा जी। कितने के कागर में जाइए, कितने अपने फैमिली के साथ जाइएगा? फैमिली के साथ जाएंगे। जसवी जी कहे तबीयत खराब होगा तो मंदिर में जाइएगा कि डॉक्टर के पास जाइएगा? मंदिर में। भैया, राम मंदिर को 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मंदिर में जाएंगे, उद्घाटन होगा मंदिर का। कितना खुशी का माहौल है? बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। इसके जगह पे हॉस्पिटल कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल होना चाहिए कि मंदिर होना चाहिए? हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों होना चाहिए। मंदिर नहीं होना चाहिए? मंदिर भी होना चाहिए, तीनों चीज होना चाहिए। चाचा, राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होने जा रहा है, इसको लेकर क्या? तो नहीं, राम का तो मंदिर बनिएगा, मगर राम का मंदिर बंद होना चाहिए ना। कैसे बंद होना चाहिए? हम सब जो जा रहे आ रहे थे, तकलीफ है कि क्या है? वो रामे मंदिर और वो नेता लोग को बढ़िया, हमारे सबको गरीब के लिए मजदूरी सब
नहीं मिलता है। राम मंदिर से रोजगार मिलेगा मोदी? हाँ साहब, वहाँ बहुत ज्यादा रोजगार है, वहाँ बहुत बड़ा बड़ा रोजगार है, वहाँ लेबर सबको ऐसे पैसा मिल जाता है, बगैर कमाए हुआ वहाँ मिल जाएगा मंदिर में। हाँ तब का काहे को वो राम का मंदिर बंद करे, मैं राम का मंदिर खुला हुआ रखिए। अब क्या बोलेंगे मैडम? तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि तबियत खराब होगा तो मंदिर में जाइएगा कि डॉक्टर के पास जाइएगा। तो ऐसा करिए कि सब जितना तबियत खराब होगा ना सब आदमी वहीं रामे मंदिर चला जाएंगे, सही हो जाएंगे ना। अभी महावीर कैंसर में बहुत आदमी पड़ा हुआ है, अगर वहाँ सही हो जाता है तब चलिए वहाँ कर सब सभी को लेकर चला जाएंगे। जगह पे हॉस्पिटल या कॉलेज होना चाहिए तब तो क्या कहेंगे? मोदी सरकार को क्या कहेंगे, सही काम किया है कि गलत काम? वो तो खुद ही मोदी जी जानते होंगे कि हम सही किए या गलत किए, हम काहे के लिए किसी को दोषी देंगे। वो तो नेता लोगों के बड़े, हमारे हमारे सबको बढ़िया ना है ये। रोजगार तो मिलता है ही नहीं है तो राम का मंदिर, तो राम का मंदिर। अच्छा प्रॉपर तरीके से राम मंदिर बना भी नहीं था, उसका उद्घाटन भी हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर सबसे पहले तो आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इसको बनवाए हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी तो बनवा नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अच्छा, आपका प्रश्न कोई कह रहा है कि मोदी जी ही बनवाए हैं? कौन कर, कोई नहीं कर रहा, उद्घाटन कर रहा प्रधानमंत्री है एक अलग बात है, लेकिन भाजपा या नरेंद्र मोदी तो नहीं बनवाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे उसके जगह पर हॉस्पिटल बनाना चाहिए, हॉस्पिटल ये आस्था का केंद्र एक अलग बात होता है। अच्छा 2 करोड़ मोदी जी रोजगार का बात किए थे, क्या 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? नहीं मिला है, नहीं मिला है। रोजगार के मामले में तो भाजपा एकदम फ्लॉप है। अच्छा। उससे अच्छा बिहार सरकार है, उससे अच्छा बिहार सरकार है, बिहार सरकार। अच्छा तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि अगर आपका तबियत खराब होगा तो मंदिर में जाइएगा कि डॉक्टर के पास जाइएगा, क्या कहेंगे? अरे मंदिर आस्था का विषय है, दोनों अलग अलग है, दोनों को एक तरह से कैसे सोच सकते हैं आप? तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने तंज कसा है मोदी पे कि उसके जगह पे हॉस्पिटल होना चाहिए या कॉलेज होना चाहिए। हॉस्पिटल हजारों को बनाए, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी, तो मंदिर से तुलना फिर क्यों हो रहा है? दोनों एक अलग अलग चीज़ है ना। ये अस्पताल खोले, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोले, एक भी यूनिवर्सिटी तो यहाँ है नहीं, मतलब अच्छा से पता ही है पटना यूनिवर्सिटी का हाल क्या है, मगध यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी भी कभी मांग का घोषित किया जा रहा है लेकिन नहीं हो रहा, वो तो केंद्र सरकार का मामला, वो चाहे तो घोषित कर सकती है, नहीं नहीं कर रही है। क्या कहेंगे भैया राम मंदिर का उद्घाटन को लेकर? देखिए जहाँ तक की बात रही राम मंदिर की, ये थोड़ा जो है मैटर थोड़ा हम आपको क्या बोले, ये धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये आस्था का विषय है, और ये बोलते हैं हॉस्पिटल खुलवा दो, यूनिवर्सिटी खुलवा दो, अरे आप अपने के यहाँ कीजिए ना। अब बाकी रही राम मंदिर, ये तो बहुत पुराना मैटर चला आ रहा है ये, ठीक, और ये कब से बेचारे प्रभु राम अदालत का भाई चक्कर में गोते खा रहे थे। तो जहाँ तक की बात रही मोदी सरकार, जहाँ तक की बढ़िया बढ़िया काम किया है और ये चीज़ होना भी चाहिए। उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, कौन किसको करना चाहिए उद्घाटन? देखिए साधु संत को करना चाहिए, साधु संत को करना चाहिए ना, तो मोदी जी क्यों कर रहे हैं? मोदी अपना नाम के लिए कर रहे हैं, नाम कमाने के लिए कर रहे हैं ना, चुनाव है? नहीं चुनाव नहीं है, चुनाव है, चुनाव है, लेकिन इससे मन जुड़िए चुनाव और राम मंदिर से मन जुड़िए। अच्छा बताइए, आप बताइए भैया कि अभी तो प्रॉपर तरीके से राम मंदिर बना भी नहीं था, इतना क्या जल्दी था कि राम मंदिर का उद्घाटन होने लगा? वो यही करवा दिए हैं, कोर्ट डिसीजन दिया कि मोदी जी करवाए कि नीतीश जी करवाए। अंदर मोदी उद्घाटन कैसे करेगा, जो भी कथा वगैरह पति पत्नी वाला बैठता है, और नरेंद्र मोदी कैसे उद्घाटन करेगा? तो पत्नी है नहीं, पत्नी है ये नहीं है, तो निर्वंश आदमी के बैठा दीजिए कथा पर, भगवानों को बेनामी है। बताइए पहले कांग्रेस वाला है, कांग्रेस ऐसे बोलबे ना करेगा? इस प्रदेश में किसकी सरकार होना चाहिए? तेजस्वी के बनेगा, अरे देश का बात कर, देश का लालू यादव के जो भी पार्टी रहेगा जिसका बनावे। हाँ। लेकिन इस प्रधान जुमलेबाज प्रधानमंत्री के, मोदी जी जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज है, काम नहीं किया है 9 वर्ष में, क्यों काम किए विरोधी से इनसे पूछिए पहले, तो बोलबे ना करेगा, इनसे पूछिए पहले कांग्रेस बोले पूछिए क्यों काम किए हैं। राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, आपके अनुसार कौन करना चाहिए? आप एक बाबा हैं बताइए। राम मंदिर तो बना है तो सब जनता के लिए सब खुशे है, और उद्घाटन हम लोग को कहना है कि उद्घाटन करने वाले जब पति पत्नी रहता है तब उसमें उद्घाटन किया जाता है। हम जो गलती बात नहीं बोले, बिना पत्नी के काम अधूरा होता है। मोदी जी की तो पत्नी नहीं है, नहीं है तो उन लोग को नहीं करना चाहिए। पत्नी वाले को साथ में मिल जाके उद्घाटन और
पूजा भक्ति होता है, कोनो जग होता है। मोदी जी तो नहीं बनवाया, मोदी जी अपने घर से बनवाया है मंदिर। के साथ में करना चाहिए, पत्नी नहीं है उस आदमी को, पत्नी नहीं है। अच्छा आप बताइए, मोदी जी अपने घर से मंदिर बनवाया है कि केंद्र सरकार बनवाया है? पत्नी उनको है, केंद्र सरकार, लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी भूमिका बोलिए। पत्नी उनको है, पत्नी को त्याग पत्र कहने है, ये तो अधूरा काम है। पत्नी को साथ में लेकर के ही सब कुछ करना चाहिए। तो कहाँ से पत्नी लाएंगे, पत्नी नहीं है तो सोभा और कुछ होगा। पत्नी नहीं है तो कहाँ से लाएंगे मोदी जी? पत्नी है, कहाँ है? कहाँ है? आपको क्या करना है, चाहे नहीं हम लोग को क्या करना है वो उसका। अभी हम मौजूद थे पटना जंक्शन पर और यहाँ पे लोगों से हम बात किए कि राम मंदिर को लेकर जो है लोग क्या कह रहे हैं, तो लोगों का आपने प्रतिक्रिया सुना। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।